केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज ईएसआईसी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में असंगठित मजदूरों का डाटा अब हमने शुरू किया है और पहले 6 महीने के अंदर ही 28 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे सभी मंत्रियों सांसदों को हमको निर्देश दिया कि स्वस्थ बालक के लिए एक कार्यक्रम सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में करना चाहिए और इसमें स्वस्थ बालक होने के लिए महिला का स्वस्थ होना जरूरी है। और इस श्रम विभाग ने 8 मार्च को महिला दिवस में हमारी महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति जी आई थी, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम शुरू किया और पायलट के तौर पर शुरू किया कि पहले हम ईट भट्टा क्षेत्र में काम करने वाली और बीड़ी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का प्रायोगिक तौर पर 6 महीने तक एक परीक्षण करेंगे। अभी हाल ही में एक अध्ययन जो है वो कर्नाटक में किया गया था और ये पाया गया था कि इस क्षेत्र में लगभग 74% विशेष रूप से इन दोनों क्षेत्रों में एनीमिया की बीमारी से पीड़ित हैं और पूरे देश में भी अगर हम औसत देखेंगे 15 से 49% में 57% महिलाएं, जिसमें अधिकांश महिलाएं इस असंगठित क्षेत्र में आती हैं। और इसलिए अगर ये पायलट प्रोजेक्ट हमारा चलता है तो फिर बाद में उनका कंसल्ट काउंसलिंग के लिए, लगातार स्वास्थ्य कैंप के लिए, अवेयरनेस के लिए, ये सारा विषय भी श्रम विभाग के द्वारा महिला बाल कल्याण सामाजिक सुरक्षा जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वास्ता हमारे ईएसआईसी के अस्पताल में हमारे श्रमिक मंत्रालय का पड़ता है, लेकिन हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो समाज कल्याण के लिए कर सके, उसके लिए ये कार्यक्रम को शुरू किया। इतना ही नहीं, केवल महिलाओं के क्षेत्र में नहीं, श्रम विभाग के द्वारा एक और दूसरा जो कार्यक्रम पिछले ईएसआईसी की मीटिंग में हमने शुरू किया, पहले हमने तय करा था कि हमारे जो श्रमिक है ईएसआईसी के वो अस्पताल में आए, उनके स्वास्थ्य की जांच हो, क्योंकि आज पूरे देश भर में 160 अस्पताल जितने भी क्लस्टर है उन सब में हमारे अस्पताल चल रहे हैं। 3.5 करोड़ हमारे आईपीज हैं, 12.5 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं, लेकिन उसमें हमने देखा कि मजदूर जो है वो अपनी छुट्टी लेकर के स्वास्थ्य जांच कराने में कई बार संकोच करते हैं। इसलिए हमने दूसरा पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू करा कि क्लस्टर और फैक्ट्री को बेस बना करके वहां पर स्वास्थ्य की जांच की जाए। कई बार हम क्योरेटिव के साथ साथ अगर प्रिवेंटिव मेजर्स भी अपनाते हैं तो वर्करों की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे जो मेडिकल कॉलेज है ऑक्यूपेशनल डिजीज को लेकर के भी काम करने की शुरुआत उन्होंने करी है, और इसलिए वो दूसरी योजना की भी एक ग्राउंड पे समीक्षा करने का विषय था। हमारे विभाग के सचिव और डीजी साहब ने मेरे को सुझाव भी दिया कि इसकी समीक्षा करने के लिए हमें ग्राउंड पे जाना चाहिए, सीधा अपने जितने मजदूर भाई हैं उनके साथ संवाद करना चाहिए, और उसी के नाते हमने आज ईएसआईसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे देश में श्रमिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने की दृष्टि से अभी हमारी संगठित क्षेत्रों में जो हमारे 2 सर्वे चलते हैं, एक सर्वे का 3रा रिपोर्ट आया है जो एस्टेब्लिशमेंट बेस है, जिसमें 10 से ज़्यादा जो कर्मचारी होते हैं संगठित क्षेत्र में उसके सर्वे का काम आया है, और उसमें बताया गया है कि देश में लगातार कोरोना की 3री लहर आने के बाद भी संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो रही है, पीएफ के एनरोलमेंट भी बढ़ रहे हैं, नई इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन के भी विषय बढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कम से कम नियोक्ताओं के स्तर पर जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वहां क्रिमिनलाइजेशन के जो पुराने एस्पेक्ट है उनको खत्म किया जाए, रोजगार के माहौल को सृजन करने के लिए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को बढ़ाया जाए। और इसलिए 29 एक्ट को सब्स्यूम करके देश में 4 कोड भी पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन है, वेजेज है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है और सोशल सिक्योरिटी। और ये जो सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के मेजर्स के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में डिजिटल क्रांति होने के कारण देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के कारण गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, उबेर ओला से लेकर इतने बड़ी संख्या में जो हमारे आए हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए नए कोड में प्रावधान किया गया है।
नए कोड में इसका भी प्रावधान किया गया है कि देश में 90% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर, एक अनुमान ये कहा जाता था कि देश में 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का सबसे पहले डाटा बनाने का काम किया है आजादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब किया गया है, जिसमें 28 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हमने 6 महीने के अंदर किया।